वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस पी तासु। 69 बीपीसी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों, इसे कहने वाले थे आरपी दत्ता, ऑप्शन नंबर सी। आरपी दत्ता ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, वी डी सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। अभिनव भारत समाज वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया है मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। भगत सिंह ने पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो दोस्तों, वह स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 7 जून 1893 को महात्मा गांधी, जिन्हें बाद में महात्मा या महानात्मा के रूप में जाना जाता था, पीटर मैरिट्सबर्ग में एक दिन ट्रेन में कानूनों का पालन नहीं करने के लिए, जो प्रत्येक डिब्बे को नस्ल के अनुसार अलग करते थे, जबरन हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, जो सदस्य नहीं था वह थे तेज बहादुर सपड़ू, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग के अन्य सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जयकर अब्बास तैयबजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उसके साथ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब मिलर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जिस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वह नेता थे पट्टाभि सीतारमैया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को वर्धा बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। गांधी जी को आंदोलन का नेता नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्फलेट द वे आउट जारी किया? तो दोस्तों, वह नेता थे श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने पैम्फलेट द वे आउट जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारी का केंद्र नहीं था? भारत में पुर्तगाली व्यापारी का केंद्र नहीं था पांडिचेरी, जो कि फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1651 का। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिंक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? जो सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिंक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था वह सामाजिक सुधार था कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, जबकि सती का उन्मूलन, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, यह दोनों सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों का उनके संस्थापकों के साथ मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 4 से, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, मद्रास महाजवन सभा के संस्थापक थे एम वी राघवाचार्य। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे के टी तलंग। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एम जी रानाडे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1840 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं का उनके सामाजिक आंदोलन के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 4 से, बिरसा मुंडा का हो जाएगा उनगुलान आंदोलन से। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, बाबा राम सिंह का कूका आंदोलन से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, गुरु रविदास का हो जाएगा भक्ति आंदोलन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना की गई थी जगजीवन राम के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, हड़प्पा का दयाराम साहनी से। 2 का मिलान हो जाएगा डी से, लोथल का एसएस राव से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, कालीबंगन की खोज आमलानंद घोष ने की थी। 4 का मिलान हो जाएगा 1 से, आलमगीरपुर का वी डी शर्मा से। तथा 5 का मिलान हो जाएगा ई से, धोलावीरा का आर एस वी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ का। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ नाथ ने की थी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे जो कि सभी क्षत्रिय थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुर संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो दोस्तों वह शासक थे रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है। एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से तथा जैन धर्म से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम क्या है?
हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था देवरा का युद्ध, फिर हुआ था चौसा का युद्ध, फिर हुआ था कन्नौज और लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में तथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में कौन सा क्रम सही नहीं है? मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में जो क्रम सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, जो कि गलत दिया गया है। एडवर्ड टेरी जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं, विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मराठों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? मराठों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी एक, दो और तीन, यानी कि राजा में मराठा प्रशासन राज की सभी शक्ति निहित थी। मराठा शासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का प्रयोग होता था। शिवाजी मराठा भाषा की प्रगति और विकास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे? विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को जिस नाम से जानते थे वह था आयंगर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मल्लिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में जो कथन गलत है, तो दोस्तों इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह चारों के चारों सही कथन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में। धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन के हस्तक्षेप करने से रोकता था। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी। निरंकुश राजतंत्र को बल देता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभरक के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो दोस्तों वह ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति, शनि तथा अरुण, जिसके चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? इसमें रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा स्लेट, क्वार्ट्जाइट तथा फिलाइट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है भूपटल यानी कि तत्व और एक तरफ दिया गया है उसका परसेंट। चलिए मिलान करते हैं, एक का मिलान हो जाएगा दो से, ऑक्सीजन का परसेंट जो कि 46.8% है। बी का मिलान हो जाएगा चार से, एल्युमिनियम का परसेंट 8.1% है। सी का मिलान हो जाएगा तीन से, लोहा 5% है तथा डी का मिलान हो जाएगा एक से, कैल्शियम का परसेंट जो कि 3.6% है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान का प्रकार है? इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार हो जाएगा प्रेरी, ऑप्शन नंबर सी। उस कटिबंधीय घास के मैदान और हैं जिनके नाम है लानोज जो कि वेनेजुला में पाए जाते हैं, सवाना मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, कैंपोज जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले हो जाएगा प्रशांत महासागर, फिर इसके बाद हो जाएगा अटलांटिक महासागर, फिर हो जाएगा हिंद महासागर और लास्ट में हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने का किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का। अगला प्रश्न है, बाह्य मंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? बाह्य मंडल में जो गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है वह है हाइड्रोजन एवं हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरेको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। सिरेको नामक स्थानीय पवन बहती है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर परियोजना भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों वह नगर है जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के जिस क्षेत्र में स्थित है वह क्षेत्र है दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगोलाइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? मंगोलाइड प्रजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वह क्षेत्र है लद्दाख, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी राज्य, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल और बेतवा तथा चंबल और सोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, यह परियोजना कल्पोंग नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने राजगृह के पास वेणु वन यानी कि बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? तो दोस्तों वह शासक थे बिंबिसार। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल था मुनीम खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? नोनिया विद्रोह से बिहार का जो क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था वह क्षेत्र था सारण तथा पूर्णिया, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन ले ग्रांट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था? मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर ने, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में शुरू किया गया था 16 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। अगला है, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बिहार में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था पटना में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का पहला अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन 26 जनवरी 1948 को पटना में स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह तीनों व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह तथा जानकी देवी, यह तीनों अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। बिहार के पहले सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह तथा दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार के मुंगेर जिले में किया गया था। अगला है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद तथा सैयद हैदर हुसैन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 96.27% है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई प्रणाली में आधार इकाई और वेतन इकाई के बीच क्या अंतर है? एसआई प्रणाली में आधार इकाई और वेतन इकाई के बीच अंतर है। आधार इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि वेतन इकाइयां आधार इकाइयों के संयोजन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करें, एक तरफ दिया गया है साधन और उनके प्रकार। चलिए मिलान करते हैं, एक का मिलान हो जाएगा एक से, बैरोमीटर का प्रयोग दबाव मापने का में प्रयोग करते हैं। बी का मिलान हो जाएगा दो से, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने का यंत्र है। सी का मिलान हो जाएगा तीन से, टैकोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने में प्रयोग होता है। तथा डी का मिलान हो जाएगा तीन से, डेंसिटोमीटर का प्रयोग गति मापने में किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह नियम हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो दोस्तों वह घटना है विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का एक उदाहरण है? ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण हो जाएगा ए बी तथा सी, हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है तथा गर्म होने पर एक तरल उबलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तापमान पैमाने किस पर आधारित है? सेल्सियस तापमान पैमाना आधारित है पानी के क्वथनांक और हिमांक पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके
आयतन का क्या होता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन हो जाता है जो कि बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन आमतौर पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है एक सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के मूल कण को कहते हैं, पदार्थ के मूल कण को कहते हैं परमाणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण का। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में जिस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है वह धातु है ग्रेफाइट तथा भारी जल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ दिया गया है पदार्थ और एक तरफ दिया गया है तत्व, चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा एक से हीरा जो कि कार्बन पाया जाता है, बी का मिलान हो जाएगा दो से मानिक में क्रोमियम पाया जाता है, सी का मिलान हो जाएगा डी से संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, तथा डी का मिलान हो जाएगा तीन से सीमेंट में एल्यूमिनेट पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल परीक्षण में जिस यौगिक का उपयोग किया जाता है वह यौगिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 परमाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटास फिटकरी का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? गन मेटल को बनाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह तत्व है तांबा, टिन तथा जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक सलयन बनाती है? तो दोस्तों वह धातु है पारा। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रिक्तियां जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रन नहीं है? पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रन नहीं है वह है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दोस्तों वह रोग है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर
फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत फल का उदाहरण है? इसमें असत फल का उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? विश्व के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है हेवन वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसाधनों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? भारत में संसाधनों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है कृषि और संबंध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवेरिन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो दोस्तों वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया को हराकर। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38वां रैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन सम्राट से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोल राजवंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। अगला प्रश्न है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि को। हाल ही में 62 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ शनि 100 से अधिक चंद्रमाओं वाला पहला ग्रह बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस संस्थान पर कैस्केड रेनिन मेडको की एक नई श्रृंखला अम्लोपड सीजू की खोज की है? तो दोस्तों वह राज हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है लुई कैफरेली को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 किस भारतीय राज्य के जगह मिशन को प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूट्यूब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नील मोहन जी को। अगला प्रश्न है,
छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डॉकीलैंड पोर्ट स्थित है मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ओडिशा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर बी। इसे यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, यह काला सागर पर स्थित यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार बिहार के 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों शामिल हैं। उदयपुर जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है, गोगा भील झील कटिहार में स्थित है, जबकि गोकुल जलाशय बक्सर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश है, पहले नंबर पर USA, दूसरे पर है UAE और तीसरे पर है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था? हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड आयोजित किया गया था 30 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MSME मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि विधि के द्वारा किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है तथा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों वह रीट है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह है 1, 2 तथा 3। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में या फिर संसद के द्वारा पारित किसी भी अन्य विधि में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद राज सूची के किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित ML सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित ML सिंघवी समिति का गठन किया गया था वर्ष 1986 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा,
जबकि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। जेपी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का परसेंट कितना है? भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का परसेंट है 22%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लोग होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है? तो दोस्तों वह बेरोजगारी हो जाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत है आपको बताना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में शामिल होता है? भुगतान संतुलन में शामिल होता है दृश्य व्यापार मध्य, अदृश्य व्यापार मध्य तथा ऋण। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने जिन संस्थाओं की स्थापना की वह संस्थान का नाम हो जाएगा IMF तथा विश्व बैंक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक तथा दो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 करोड़ का। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा विभाग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना परसेंट है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.98%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राजगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60.7%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30,779 रुपये। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना परसेंट लोक ऋण का रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 81.1% का। थैंक यू।